आज का वीडियो कुछ स्पेशल है। आज मैं एक कहानी के रूप में जो बात बताने वाला हूँ एक लेसन है जिससे आप कुछ सीख सकते हो और अपनी लाइफ को बदल सकते हो, तो लास्ट तक जरूर सुने। एक बार एक लड़का स्टेशन पहुंचा और टिकट काउंटर पर गया और वह जाकर कहने लगा, मुझे एक टिकट दे दो। तो काउंटर पर बैठे व्यक्ति उससे पूछा कि आपको कहाँ की टिकट चाहिए। तो लड़के ने गुस्से से कहा, मुझे टिकट दे दो, क्या आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या, मुझे जल्दी टिकट दो। पर काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा, ये तो पागल है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। फिर भी काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा, ओ भाई आपको कहाँ की टिकट चाहिए बता तो जरा। फिर से लड़के ने कहा, मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना है या नहीं, मुझे टिकट जल्दी दो। तो फिर क्या, अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। फिर क्या, उसने तुरंत उस लड़के को भगा दिया और कहा, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। लड़का को थोड़ा सा गुस्सा आया, फिर इधर उधर घूमा, फिर देखा कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। फिर क्या, तो वो भी वहाँ पर पहुँच गया। अब थोड़ी देर ही में एक ट्रेन भी पहुँच गई, सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे, तो वो लड़का भी उसी ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन अब आप लोग ही बताओ कि वो तो ट्रेन में चढ़ गया, पर वो लड़का कहाँ पर पहुँचेगा? आप लोग मुझे ये बताओ कि वो लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वाकई में उसे जाना था, या फिर वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो ट्रेन उसे लेके जाएगी? जी हाँ, इसका जवाब सही दिया आपने, वो लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ ट्रेन उसे लेके जाएगी। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलता है, इसलिए आप भी अपने आप से पूछ कर देखिए कि क्या आप भी बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य के लड़के की तरह ट्रेन पकड़ ली, पर जाना कहाँ है हमें नहीं पता। इससे हमें एक सीख मिलता है कि ये जो आपके पास वक्त है ना, वो एक रास्ता है जो कि एक घड़ी की तरह है। जैसे घड़ी और रास्ते वो अपने ही जगह रहते हैं, पर उस घड़ी में चलने वाले कांटे और ठीक वैसे ही रास्ते पे गाड़ी, दोनों एक जैसा है। इसलिए बिना लक्ष्य के आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ जाना है। इसलिए सही लक्ष्य का चुनाव करें, खुद को एनालिसिस करें कि हम किस में बेस्ट हैं। नहीं तो कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, परेशान रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। क्या आप भी उनमें से तो नहीं हैं? या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करें, अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं तो फैसला आपके हाथों में है। हम मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, ईयर मोटिवेशन।